तो भाई साहब वापस से तुम लोग का स्वागत है स्केलेटन वॉलेट के जीबी रोम हैक में। और सबसे पहला चीज़ है अपना टीम। टीम में भाई फ्लेमिंगो है, देख ही सकते हो। और भाई सबसे पहला चीज़ कि हम लोग चलेंगे अभी भाई कोडाइडॉन को लेने के लिए। जैसे कि भाई तुम लोग को भी पता है कि वो जगह प्यूटर सिटी जैसा दिखता है, प्यूटर सिटी ही है, लेकिन वहाँ का नाम कुछ और है, तो क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग को। और भाई कुछ कुछ चीज़ जैसे कि यार हम अपना टीम में नहीं बदलना चाहेंगे, वो है कोडाइडॉन। और यहाँ पे तो हम लोग जैसे देखे कि भाई वहाँ पे एक पैरालाइज्ड हिल मिला था, और यहाँ देखते हैं कौन कौन सा और आइटम है। यहाँ पे क्या है भाई, एक ईथर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और भाई यहाँ पे पता है तुम लोग को थोड़ा सा ये टाउन हम घुमाएंगे पहला चीज़। तो भाई तो सबसे पहला चीज़ है कि भाई ना चॉइस हील्ड करवाएंगे और रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि भाई देखो ये ओपन वर्ल्ड गेम है, रजिस्टर करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई अपना जो रिचुअल है यानी कि नर्स जॉय के पास जाने का, उसको क्यों छोड़ना। और यहाँ पे भाई हम लोग को पता है दादी जी कोडाइडॉन के बारे में बताती थी, उतना तो सही से नहीं पढ़ पाते भाई, ये सब पोर्तुगीज लिखा हुआ है, उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग कोडाइडॉन को लेने के लिए चलते हैं। और म्यूज़ियम तो बंद है, लेकिन यहाँ तो अपना कोडाइडॉन है, तो अंकल जी मेरा कोडाइडॉन को संभाल के रखे हुए हो ना। चलो भाई सही है, कोडाइडॉन भाई साहब अपना टीम में निकनेम देने के लिए कहा था, नहीं दिए भाई। एक लेजेंडरी को निकनेम देना मेरे तौहीन हो जाएगी। ओह यहाँ ये देख लो, ये कौन सा लगता है नया, जो अभी कहे ना अपडेट आया है, और भाई कुछ कुछ शायद रास्ता खुला हो सकता हो। ओ भाई अंदर जाने की कोशिश कर रहे, कुछ हो नहीं रहा है, लगता है वहाँ पे कुछ होएगा लेकिन अभी नहीं। और तुम लोग एक चीज़ दिखा देते, ये लड़की भाई बताती है कि पिकाचू को मून स्टोन दोगे तो वो टेराफॉर्म वाला बनेगा। तो भाई हम लोग पिकाचू जब कैच करेंगे तो उसको इवॉल्व करेंगे, लेकिन भाई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला एपिसोड में हम यूज़ कर चुके हैं पिकाचू को, जो कि टेरा वाला फॉर्म था उसका। नहीं देखे हो तो भाई इसका वॉक थ्रू का या प्लेलिस्ट का लो जो, वो चैनल पे है, तुम लोग जाके देख सकते हो उस चीज़ को। और भाई यहाँ पे तो हमको नहीं लगता है टाउन में कुछ है, हम लोग चलते हैं अब। और तुम लोग को एक चीज़ और दिखाएंगे, ये वाला जो है ना, ये एक केव है जिसमें कि भाई हम लोग को एक दो पोकी बॉल मिलता है, मे बी शायद एक ही। तो पहले चलते हैं, यहाँ का पज़ल है जो कि पज़ल सॉल्व ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और भाई ये रहा सॉल्व। और भाई अल्ट्रा बॉल मिला, देख ही सकते हो, वैसा तो ज़रूरी चीज़ नहीं मिला, लेकिन हाँ भाई काम आएगा, पोकेमॉन कैच करेंगे वैसा कुछ रहेगा। और यहाँ पे भाई अभी हम लोग चलते हैं अपना सेकंड जिम में, यानी कि सेकंड बैच भी ले लिया जाएगा। और भाई साहब लीच हॉक है इसके पास, और एक एक का बैटल दिखाएंगे भाई, अपना पहला बैटल हो रहा है और एक एक का ही दिखाओ, ईजी रहेगा। पोकेमॉन चेंज करो यार, फ्लेमिंगो ब्रो कम ऑन। फ्लेमिंगो के पास डबल हिट, हमारे डबल किक, सही है भाई। चलो ये तो गया। अब भाई यहाँ पे ग्रास है, ठीक है बाद में देखेंगे वहाँ पे कौन कौन सा पोकेमॉन आया है। अभी के लिए भाई पोकेमॉन को हम सोचे अभी के लिए रोक देते हैं, देखते हैं पहले यहाँ पे ज़रा देख लिया जाए। यहाँ भी भाई सुंदर कर दिया भाई, सजा दिया ना, जो सुंदर कर दिया भाई इसका जो बीटा को या जो भी कह लो इस रोम को अपडेट कर रहा है, वो काफ़ी जगह को खूबसूरत भी बना रहा है भाई। और ये वाला भाई पता है जो ढक दिया ना, इसका पजल सॉल्व करना थोड़ा सा तो दिक्कत होगा, लेकिन उतना नहीं होना चाहिए। चलो नहीं भी हुआ। अरे यार एक ग्लेली फीमेल है, कोई बात नहीं, हम लोग भाई इसके ऊपर एम्बर करके देखते हैं। अरे यार प्रोटेक्ट, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में देखेंगे। अरे यार नहीं भागा, चलो गया तो यार ये तो मेरे को हरा ही देता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे अपना पहला जिम बैटल होगा, तो फ्लेमिंगो को आगे
हमको लगता है इसका 20 लेवल से ज़्यादा का होना चाहिए, क्योंकि पहला जिम में ही 14-15 लेवल का पोकेमॉन था। लेकिन भाई सबसे बड़ा दिक्कत है कि हम तो पोकेमॉन को ट्रेन नहीं किया, लेकिन कोराइडॉन है ना, कोराइडॉन यहाँ पे आराम से काम कर देगा। ओ ग्लेली, 22 लेवल का ग्लेली, तो भाई डबल किक फिर टीयर, ये तो मेरा डिफेंस गिरा दिया स्पेशल वाला। चलो कोई बात नहीं, बस एक और बार करेंगे ना तो हार जाएगा। अरे यार वाटर पल्स, अरे भाई मेरे को ही हरा दिया। चलो कोई बात नहीं, कोराइडॉन, कोराइडॉन का भाई ब्रिक ब्रेक। चलो यार लेट हो जाएगा, अब इसका कौन है, कैटिटैन, कोई दिक्कत नहीं, ब्रिक ब्रेक, और भाई ये भी गया। चलो यार सही है, इसको भी हरा दीजिए आसानी से, भाई हम जीत गए। हमको मन नहीं था जिम में अभी लड़ने का, वैसा दिखाने का कि भाई हम लोग जिम जीतने के लिए जा रहे हैं या जिम बैटल कर रहे हैं, वैसा हमको लगा हारेंगे, कोई बात नहीं है अगला एपिसोड में करेंगे, लेकिन काफ़ी आसानी से जीत गया। तो चलो देखते हैं आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वाटर पल्स मिला और वाटर पल्स ही है, चलो सही है। यहाँ से बाहर बाहर निकल के भाई देखो टीम का तो अपना भाई लगा पड़ा है, और भाई दिक्कत ये चीज़ है कि भाई मेरा माइक ख़राब हो गया और हमको अपना हेडफोन से ही वॉइसिंग को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है। और ये वाला तो एरिया भाई टीम रॉकेट वाला है, इसको भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि भाई इसको अभी कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई आइटम है वैसा जिससे कि मेरा पोकेमॉन हील्ड, भाई इसके पास रिवाइव है, लेकिन मेरे पास उस हिसाब का पैसा नहीं कि हम रिवाइव खरीद सके। छोड़ो हम पता है सिर्फ अंदर चलते हैं देखने के लिए, लड़ेंगे नहीं, लेकिन हम देखना चाहते हैं अंदर बस टाइम पास के लिए। यहाँ पे एक वहाँ तो पोकेबॉल मिला, और यहाँ पे एक स्नैच, ठीक है। और ये भाई देखना चाहते हैं कि इसके पास कौन सा पोकेमॉन है, बस इसके पास दो है, और मैग्नेमाइट 21 लेवल का। तो भाई एम्बर, ओ भाई यार सुपर सोनिक से भाई हम कंफ्यूज है, और पता नहीं जीत पाएंगे भी कि नहीं। अरे यार शट, लावा तो गया, कोराइडॉन बच रहा है, कोराइडॉन इसके सामने टिक सकता है इतना तो यकीन है हमको। तो ब्रिक ब्रेक, चलो भाई कम से कम ब्रिक ब्रेक से भी ये हारा तो सही। चलो अब भाई ये हमको लिफ्ट का की दे दिया, लिफ्ट की यहाँ पे कोई काम नहीं आता है, लेकिन भाई अभी तुम लोग चलो बाहर, क्योंकि यार अभी मेरा पोकेमॉन देखो हील्ड नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हील्ड करवा के आएंगे तब वहाँ अंदर लड़ने चलेंगे। तो अभी के लिए तुम लोग बताओ यार एपिसोड कैसा लगा, मस्त लगा, ज़बरदस्त लगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।